हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में पास्ता। तो इसमें हमें ना तो कोई सॉस डालना है ना ही शिमला मिर्च डालना है, और बिल्कुल इतना बढ़िया टेस्ट तैयार होगा। जब घर पे सॉस वगैरह ना हो तो हम घर की चीज़ों से ही इस पास्ते को तैयार कर लेंगे। बस पास्ता होना चाहिए घर पे। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी पास्ता ली हूँ इस कटोरी से। ये 4 लोगों के लिए सफिशियंट है, और इसे पहले हमें बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए उसी कटोरी से मैंने 5 कटोरी पानी लिया है, क्योंकि पानी कम रहा तो ये चिपचिपा हो जाएगा और ज़्यादा रहा तो ज़्यादा फूलेगा और टूट जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे 5 से 6 मिनट गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इस तरह से पका लीजिए। देख रहे हैं बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे छान लेना है। तो छानने के लिए जिस भी छन्नी में आप निकालेंगे थोड़ा उसमें तेल लगा दीजिए, इससे क्या होगा चिपकेगा नहीं। और इसके बाद आप इसमें छानने के बाद इसके ऊपर भी आपको 1 चम्मच तेल डालना है, और बढ़िया से इसे इस तरह से उलट पलट के मिला दीजिए। और बीच बीच में इसे हाथों से आपको घुमाते रहना ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। इसके बाद भी गर्माहट से ये चिपक जाते हैं। और इसे ढक करके रख दीजिए सिर्फ बीच में 1-2 बार। देख सकते हैं कितना बढ़िया सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो ढके रहेंगे तो ये कड़क नहीं होगा, इसलिए ढकना ज़रूरी है। उस बीच में आपको ये सारी तैयारियां फटाफट कर लेना है, या पहले करके रखिए। टमाटर को पीस लीजिए। यहाँ पे 4-5 टमाटर मैंने पीसा है। लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला एक साथ रखना है आपको। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को दरदरा कूट लिया है, मिर्ची को 2 पीस में काट लिया है, और ये जो प्याज है यहाँ पे 5-6 प्याज है जिसको मैंने चिप्स कटर से काट रखा है। आप चाहें तो मोटा भी काट सकते हैं। और 1 नींबू का रस, इसे हमें लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन्हें भूनेंगे। तो 1-2 चम्मच यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ। और यहाँ पे जब मसाले डालेंगे इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप अदरक डालिए, थोड़ा सा जैसे ही भून जाए बस एक बार ही घुमाना है। तो फिर लहसुन डालिए, जब आप उसे एक बार घुमा लेंगे तब आप मिर्ची डाल दीजिए। मिर्ची को थोड़ा टाइम पकने दीजिए। मिर्ची जब पकेगा तो तेल, पूरे तेल में मिर्ची का टेस्ट आएगा। उसके बाद आपको डाल देना है प्याज। अब हमें प्याज और इन मसालों को अच्छे से भूनना है। अच्छे से यानी बस कच्चापन निकल जाए, थोड़ा सा देखिए कलर चेंज हो गया, इतना ही भूनना है। उसके बाद आपको सबसे पहले डाल देना है हल्दी। हल्दी जब डालेंगे तो इसे एक बार भूनेंगे और कच्चापन इसका निकल जाए, इतना ही भूनना है। अब बाकी के मसालों को डाल करके आप इसे भून लीजिए। अब इसे भूनने थोड़ा टाइम भून करके नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। जितना जो प्याज का मसाला है बस इतना ही नमक डालना है हमें। अब ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से तैयार हो गया। तो इसे आप किसी अलग बर्तन में निकाल दीजिए। इसके बाद हमें नींबू का रस डाल करके थोड़ा टाइम इसे सुखाना है। फिर टमाटर की प्यूरी जो आपने तैयार की है उसे, इन सब को हम अच्छे से सुखा देंगे। ये देखिए इतना सूखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सुखाना है। और अब आपको डाल देना है पास्ता जो आपने तैयार किया है। इससे क्या होगा कि चिपचिपा नहीं होगा, और जो भुना हुआ मसाला है और टमाटर के साथ अगर आप डाल देंगे तो वो पक जाएगा। तो भुने हुए और पके हुए का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। और इस अभी टमाटर और पास्ते के स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, क्योंकि पास्ता उबालते वक्त मैंने नमक नहीं डाला। आप चाहें तो उबालते वक्त भी डाल सकते हैं। और इसे हमें थोड़ा टाइम भूनना है जिससे कि पास्ते में भी नमक आ जाए। और अब ये तैयार किया हुआ मसाला को हम डाल करके आराम से मिला देंगे। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ अब नहीं डालना है। और इतना बेहतर टेस्ट तैयार हुआ कि बस जब आप बना कर खाएँगे तो आपको समझ में आएगा। और ये देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत है। जब देखने में इतना बढ़िया है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। और बस ये तैयार हो क्या, और अब परोस लीजिए। आप जिस भी प्लेट में जिनको सर्व करना चाहें कर लीजिए। तो ये क्या घर पे जो चीज़ें थी मैंने उससे ही पास्ता बना लिया, बाहर से ज़रूरत भी नहीं पड़ा। और जैसे लोग अजीनोमोटो डालते हैं या कोई भी सॉस डालते हैं
अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करना है। आजकल जो भी है बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। आप देख सकते हैं सामने से भी कितना खूबसूरत लुक है इसका, तो टेस्ट कितना बढ़िया होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे अच्छा तो है कि आजकल अजीनोमोटो बिल्कुल नहीं खाना मना है, यानी कि लोगों को मना किया जाता है कि ना खाएं। और सॉस भी अगर आप घर पे तैयार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इस तरह से बनाइए और एक ज़रूर खाइए, एक बार टेस्ट कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।